लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने प्रेम किया है अपने स्वामी से, मैंने प्रेम किया है अपने प्रभु से, मैंने प्रेम किया है अपने आराध्य से, मैंने प्रेम किया है श्री राम से। श्री राम, हाँ श्री राम, और आज उन्हीं श्री राम के पुत्र को चिंता में देखकर मैं स्वयं चिंतित हूँ। और तुम दोनों की चिंता हरण करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। नारायण नारायण। सत्य गुरुदेव। हाँ हनुमान, एक ओर तो मैं भगवान शिव शंकर की आज्ञा से बंधा हूँ और दूसरी ओर तुम्हारे स्नेह से। महाराज कुश, अब ये व्यर्थ की चिंता छोड़िए और चंपिका के वरण के लिए तैयार हो जाइए। चंपिका का वरण? हाँ वरण। अर्थात? अर्थात विवाह। राजकुमारी चंपिका का विवाह? हाँ। महाराज कुश के साथ? हाँ, दोनों के वियोग का अंत और जीवन भर के लिए आनंद मिलन। इसी के लिए तो महाराज कुश जल बिन मछली के समान तड़प रहे थे। अर्थात आप राजकुमारी चंपिका और महाराज कुश के विवाह का प्रबंध करके आए हैं। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। नारायण नारायण, धन्य है महाराज भूरी कीर्ति। महाराज भूरी कीर्ति यानी? यानी दो सुंदर राजकुमारियों चंपिका और सुनंदा के पिताश्री। महाराज भूरी कीर्ति ने चंपिका के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया है, जिस स्वयंवर में चंपिका अपने इच्छा के अनुसार अपने वर का चयन करेगी। परंतु गुरुदेव, यदि किसी कारणवश चंपिका ने हमारे महाराज कुश को नहीं चुना तो? नारायण नारायण, हनुमान कितने भोले हो तुम। हनुमान हनुमान, जब चंपिका की बहन सुनंदा ने तुम्हारी आराधना की थी तब तुमने उसे क्या वरदान दिया था? हाँ, वो जो भगवान शिव का संदेश आपने मुझे सुनाया था वही मैंने देवी सुनंदा से कह दिया। मुझे इसका स्मरण नहीं है गुरुदेव। हनुमान, तुमसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। महाराज कुश, अब आप ये व्यर्थ की चिंता छोड़िए और तुरंत महाराज भूरी कीर्ति की राजधानी में रचे गए स्वयंवर में पहुंचिए, जहां चंपिका की आंखें आपको देखने के लिए तरस रही हैं और उसके हाथों की वरमाला आपके गले की शोभा बनने की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ जाइए जाइए जाइए, विलम्ब ना कीजिए। नारायण नारायण। गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, हनुमान कुश का विवाह संपन्न होने तक तुम्हें सजग रहना होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे हम सभी तो यहाँ पर आ गए, किंतु वो विरूपा अभी तक नहीं आए। उसके बारे में भी सोचोगे कि नहीं? मुझे तो शंका हो रही है। किस बात की शंका? यही कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उस विरूपा पर उस हनुमान की दृष्टि पड़ गई हो और वो मूर्ख राक्षसी अपना बचाव ना कर सकी हो। विरूपा को मूर्ख मत कहो। क्यों ना कहूँ, उसने पहले भी हमें उस वानर हनुमान की गदा से पिटवाया था। चुप रहो, विरूपा कुटिलता में हम सबसे महान है। किंतु मैं पूछता हूँ, वो अचानक अदृश्य कहाँ हो गई? अदृश्य हो गई तो पुनः प्रकट भी हो जाएगी। इस समय हमें विरूपा के बारे में नहीं हनुमान के बारे में सोचना है। हनुमान और उसकी गदा को कैसे समाप्त किया जाए, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हनुमान, अरे हनुमान के गदा के बारे में सोचते ही मैं तो कांप उठता हूँ। मृदंगा,
अब वही गदा हनुमान के पास पहुंच चुकी होगी। सोच लो, हनुमान और उसकी गदा दोनों मिलकर तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। जय श्री राम। गैरों की भाषा में बात मत करो। हम सभी उस हनुमान और उसकी गदा को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। एक अवसर मुझे मिल जाए, फिर उस हनुमान और उसकी गदा को मैं सदैव के लिए नष्ट कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। खुली आंखों से सपना देखने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। क्या तुम मुझ पर व्यंग कर रहे हो? क्या मैंने जो कहा वो तुम नहीं चाहते? मिल गया। अरे मिल गया। अरे तुम सब लोगों के लिए समाचार मिल गया। रूपा, शीघ्र बताओ क्या समाचार मिल गया। राजा भूरी कृति ने राजकुमारी चंपिका की स्वयंवर की घोषणा की है। परंतु स्वयंवर से हमें क्या लेना देना हा? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हम सभी उस स्वयंवर में पहुंचकर राजकुमारी से वरमाला प्राप्त करें? तुम राक्षसों में यही विडंबना है, जो कुछ सोचते हो उल्टा सोचते हो, कभी सीधा भी सोचा करो। तुम भी तो राक्षसी हो, जैसा तुम सोचती हो वैसा हम सोचते हैं। कहो विरूपा, कहो क्यों कहना चाहती हो? हम भी सुनने को तावले हो रहे हैं। ये मत भूलो, हमारे तीन घोर शत्रु हैं, लव कुश और राम भक्त हनुमान। विभीषण की पत्नी शर्मा को कैसे भूल गई? उसी विश्वासघाती के कारण असुर राज रावण का सर्वनाश हुआ था, वो भी हमारा परम शत्रु है, ये कैसे भूल गई तुम? जानती हूँ, परंतु तुम भी जान लो, पांच शत्रुओं पर एक साथ विजय नहीं पाई जा सकती। पांच लकड़ियों को एक साथ तोड़ना असंभव है, ये एक एक करके ही तोड़ी जा सकती है। इसी प्रकार पांचों शत्रुओं को हम अलग अलग करके मारेंगे। तुम ठीक कहती हो, हम एक एक करके अपने पांचों शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और फिर लंका नगरी पर असुरों का राज होगा। बोलो असुर राज पांडव की जय, असुर राज पांडव की जय, असुर राज पांडव की जय। चुप रहो। कृपा बोलो, आगे बोलो। हनुमान का पीछा करते हुए मैं बहुत दूर चली गई थी, कुशावती नगरी के कुश महल में। वहां हनुमान राजा कुश से मिलने आए थे। मैंने एक स्थान पर छिपकर उनकी सारी बातें सुन ली। देवर्षि नारद भी वहां आए हुए थे राजकुमारी चंपिका का कुश से विवाह कराने के लिए। क्या कुश का विवाह? हाँ, कुश का विवाह। राम पुत्र कुश राजकुमारी चंपिका के प्रेम में फंस गया है। कुश और चंपिका जहां मिले थे, वितिंतासुर ने वहां आक्रमण किया और मारा गया। उसी राजकुमारी चंपिका का स्वयंवर, उसमें कुश अकेला पहुंचेगा। हनुमान ने कहा है कि वो स्वयंवर में नहीं जाएगा। अब बताओ, कुश को मारने का इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? हाँ, अवसर तो निश्चित ही उत्तम है, परंतु वेदंतासुर के वध के समय में जो घटना घटी थी, यदि वही घटना फिर घटी तो? परंतु सुना है कि वो चमत्कारी हनुमान कभी भी किसी के भी पुकारने पर सहायता को चला आता है। हनुमान पुकारने पर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है, और वैसे भी कुश के पुकारने से पहले हम उसकी
यह क्या? आज के दिन मेरी बहन खिन्न और उदास। सुनंदा, पता नहीं क्यों आज मेरा हृदय अनेकों आशंकाओं से घिरा हुआ है। अनेकों आशंकाओं से घिरा हुआ है? पगली, आप किस बात की आशंका है? ये मैं स्वयं नहीं जानती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी हो करके रहेगी। पता है, हनुमान जी ने स्वयं मुझे दर्शन देके आश्वासन दिया है कि तुम्हारा विवाह महाराज कुश से ही होगा। सुनंदा, महाराज कुश स्वयंवर में आए हैं। महाराज कुश? महाराज कुश भला इनके स्वयंवर में क्यों पधारने लगे? अरे हाँ, याद आया, एक मोटा सा, नाटा सा, फटा सा, काला सा पुरुष स्वयंवर कक्ष में विराजमान है। हो न हो, वो महाराज कुश ही हैं। अब वैसे तो बहुत से राजकुमार उपस्थित हैं, परंतु इन्हें तो वही पसंद है ना। अब तुम लोग चुप हो जाओ ना। अच्छा तो ठीक है, हम लोग चुप हो जाते हैं। लो, पिताश्री को पता था कि मैं किसे वरमाला पहनाना चाहती हूँ। इसके पश्चात भी उन्होंने देश विदेश के राजा महाराजा और राजकुमारों को बुलाकर स्वयंवर रच दिया। अब स्वयंवर कक्ष में न जाने मुझे किसको देखना पड़ेगा। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? चंपिका, पुत्री चंपिका, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से फटा जा रहा है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव। पुत्री, मैं जानता हूं तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने स्वयंवर की रचना क्यों की है। पुत्री, एक क्षत्रिय के मुंह से निकला वचन और उसके धनुष से निकला बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमने स्वयंवर की घोषणा की और उसे पूर्ण करना एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य है। चलो, स्वयंवर में दूर दूर से आए नरेश और राजकुमार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री, दीदी जानना चाह रही थी कि महाराज कुश पुत्री, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारा पिता हूं और अपनी पुत्री की हर इच्छा को पूर्ण करना एक पिता का कर्तव्य है। पिताश्री, पिताश्री। पुत्री सुनंदा जी, चंपिका को शीघ्र स्वयंवर में लेकर आओ। राजकुमारी चंपिका की, 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 राजकुमारी चंपिका की,
राजकुमारी जंबिका की जय। 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 राजकुमारी जंबिका की।